नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल कोचिंग वाले भैया पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से क्या बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 × 2x − 1 / x + 3 − 3 × x + 3 / 2x − 1 = 5। ये क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे के क्या लिखे गए, रिवर्स लिखे गए हैं। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लेंगे कुछ, हम इसको मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो आइए हम इसको क्या करते हैं, 2x − 1 / x + 3 = क्या लेते हैं, y हम लेट कर लेते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा, देन ये हो जाएगा x + 3 / 2x − 1 = 1/y हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लिख लेंगे, 2 × 1 / 2 × y − 3 / 1 / y = 5 जाएगा 2। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2y² − 3 / y = 5 हो जाएगा। अब इसका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जाएगा 2y² − 3 = 5y हो जाएगा। इसको लिख लेंगे 2y² − 5y − 3 = 0। अब इसको क्या कर देंगे, फैक्टर कर लेंगे, तो जाएगा 2y² − इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6y + y − 3 = 0। −6 में से +y निकालेंगे तो 5y मिल जाएगा। तो हमारा ये सही है, इसको यहाँ ले लेते हैं, 2y जाएगा y − 6 + 1 2 ले लेंगे तो हो जाएगा 3 + 1 कॉमन ले लेंगे, y − 3, ये फैक्टर दोनों सेम है, ये हो जाएगा y − 3, ये हो जाएगा 2y + 1 = 0 ये हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको कर लेते हैं, y − 3 = 0 ये हो जाएगा, 2y + 1 = 0 ये जाएगा y = 3, इधर हो जाएगा 2y = −1 y = हो जाएगा −1/2। अब हमने लेट किया था y = 2x − 1 / x + 3, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर रख लेंगे, तो जाएगा 2x − 1 / x + 3 = 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 3 × x + 3 = 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आएगा 2x − 1, ये हो जाएगा 3x, ये जाएगा 3 × 3 = 9, ये जाएगा 2x − 1, इस 2x को इधर लाएंगे हो जाएगा 3x − 2x जाएगा −9 − 1 और इधर जाएगा −9 जाएगा x = −10 हो जाएगा। ये हो गया x की वैल्यू, एक यहाँ से ले लेंगे, y की वैल्यू हम माने हैं 2x − 1 / x + 3 = −1/2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये जाएगा 2x − 1 ये जाएगा −1 x + 3 ये हो जाएगा 2 × 4x − 2 = −x − 3 ये जाएगा 4x, इधर लेके आएंगे हो जाएगा x जाएगा −3 + 2 हो जाएगा, इधर जाएगा ये हो जाएगा 5x = −1 x = आ जाएगा −1/5। दिस इज द आंसर। तो आइए हम और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये दिया गया है, फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसको आइए हम सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से ये हो जाएगा x + 3 ये जाएगा 2x − 1 ये जाएगा 11/7x + 9 ये हो जाएगा, इससे इसे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x − 1, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा
जाएगा टू एक्स माइनस वन, ये प्लस है प्लस लगा लेंगे, इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ये एक्स प्लस थ्री, वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा टू एक्स और एक्स क्या हो जाएगा ये थ्री एक्स, ये माइनस वन प्लस थ्री तो जाएगा प्लस टू, ये जाएगा एक्स प्लस थ्री जाएगा टू एक्स माइनस वन और हो जाएगा इलेवन अपॉन सेवन एक्स प्लस नाइन। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस टू, ये जाएगा सेवन एक्स प्लस नाइन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस थ्री, ये हो जाएगा और जाएगा टू एक्स माइनस वन, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर, इसका इसमें कर लेंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी सेवन एक्स, ये हो जाएगा टू फोर टू सेवन जब फोर्टीन एक्स जाएगा एट्टीन इक्वल टू, ये हो जाएगा इसको इलेवन कैसे रख लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस इस माइनस हो जाएगा ये क्योंकि माइनस है तो क्या जाएगा एक्स, इसका इसमें हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा, ये जाएगा इसका इसमें हो जाएगा तो माइनस थ्री, ब्रैकेट लगा देंगे, ये हो जाएगा ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी वन एक्स प्लस एट्टीन इजिकल टू, ये हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे ये जाएगा ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा इलेवन का फाइव में फिफ्टी फाइव एक्स माइनस थर्टी थ्री हो जाएगा। अब इसको हम लिख लेंगे ये जाएगा ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टी फाइव एक्स माइनस थर्टी थ्री इजिकल टू, ये दिया है ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी वन एक्स और प्लस एट्टीन, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हो जाएगा ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस फिफ्टी फाइव एक्स माइनस थर्टी थ्री जाएगा माइनस ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टी वन एक्स माइनस एट्टीन इजिकल टू जीरो हो जाएगा। अब इसमें इसमें निकाल लेंगे इसका, इसको एक साथ, इसको एक साथ और इसको एक साथ, ये हो जाएगा ट्वेंटी टू में से ट्वेंटी वन निकाल लेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर एक प्लस फिफ्टी फाइव में से फोर्टी वन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा फोर्टीन एक्स हो जाएगा और इसमें से इसको ऐड कर लेंगे माइनस थर्टी थ्री और माइनस एट्टी हो जाएगा माइनस फिफ्टी वन इजकल टू जीरो। अब इसको क्या करते हैं फैक्टर कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई कर दें, इसमें फिफ्टी वन आ जाए और ऐड या सबट्रैक्ट करें क्या आ जाएगा फोर्टीन आ जाए, तो होता है इससे कर लेंगे और इसमें से निकाल लेंगे तो आ जाएगा फोर्टीन आ जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवेंटीन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फिफ्टी वन इजकल टू जीरो, हो जाएगा एक्स एक्स प्लस सेवेंटीन हो जाएगा और थ्री यहाँ से कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस सेवेंटीन एक्स एक्स माइनस सेवेंटीन इजकल टू जीरो हो जाएगा, एक कॉमन हो गया हो जाएगा कॉमन तो जाएगा एक्स प्लस सेवेंटीन हो जाएगा एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो। अब क्या करेंगे इसको जीरो के बराबर रख लेंगे तो जाएगा एक्स प्लस सेवेंटीन इजकल टू जीरो हो जाएगा एक्स बराबर माइनस सेवेंटीन हो जाएगा ए और हो जाएगा एक्स इजकल एक्स माइनस थ्री इजकल टू जीरो हो जाएगा एक्स इजकल टू माइनस एक्स इजकल टू थ्री, दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दिया गया है, ये भी इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको क्या करते हैं पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं और इसको क्या कर लेंगे थ्री थ्री जा नाइन और एक वन टेन हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स माइनस टू जाएगा एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फोर हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे हो जाएगा टेन अपॉन थ्री हो जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेंगे हो जाएगा एक्स माइनस वन और ये हो जाएगा एक्स माइनस फोर और प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स माइनस टू और बच जाएगा एक्स माइनस थ्री, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स माइनस
थ्री और ये है टेन अपॉन थ्री हो जाएगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, ये जाएगा माइनस एक्स, ये जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा फोर, ये जाएगा प्लस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर और हो जाएगा माइनस थ्री एक्स, इसका इसमें करेंगे तो माइनस टू एक्स, जाएगा टू का थ्री में करेंगे तो प्लस हो जाएगा और थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा और अपान हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर इजकल टू दिया टेन अपान थ्री। अब क्या कर लेते हैं, इसको एक्स स्क्वायर को एक साथ और एक्स को एक साथ और नंबर को एक साथ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, ये फोर एक्स और एक्स फाइव एक्स और ए थ्री एट और ए टू हो जाएगा टेन एक्स और हो जाएगा ये फोर और ए सिक्स क्या जाएगा प्लस टेन और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और हो जाएगा इसका माइनस फोर एक्स, ए टू का हो जाएगा माइनस टू एक्स, ये जाएगा प्लस एट इजिकल टू टेन अपॉन थ्री हो जाएगा। ये हो गया टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस टेन, इसको लिख लेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इजकल टू टेन अपॉन थ्री। अब इसको कर लेते हैं, ये हो जाएगा इसका हो जाएगा टेन इंटू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और प्लस एट, इधर हो जाएगा थ्री इंटू टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स और प्लस टेन प्लस टेन इजिकल टू ये हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स प्लस हो जाएगा एट्टी हो जाएगा थ्री, थ्री का इसमें करेंगे टू में सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस हो जाएगा थर्टी एक्स, इसका करेंगे हो जाएगा प्लस थर्टी, इसको लेके आएंगे लेफ्ट साइड हो जाएगा टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स प्लस एट्टी, इसको इधर ले आएंगे तो जाएगा माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस है तो प्लस थर्टी एक्स माइनस थर्टी इजकल टू जीरो, एक्स स्क्वायर यहाँ तो हो जाएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा थर्टी एक्स, एट्टी में से थर्टी निकालेंगे आ जाएगा फिफ्टी एक्स इजकल टू जीरो। यहाँ टू कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब इवन नंबर हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। अब इसका फैक्टर कर देंगे, टू का मल्टीप्लाई करेंगे फिफ्टीन में फिफ्टी हो जाएगा और इसको कर लेंगे फिफ्टी को टू पार्ट में हो जाएगा कि पंद्रह आ जाए फिफ्टीन तो हो जाएगा टेन इंटू फाइव और ऐड करेंगे तो हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इजकल टू जीरो हो जाएगा। इसमें टू कॉमन लेंगे टू एक्स तो हो जाएगा एक्स माइनस फाइव ये हो जाएगा, इसमें कॉमन ले लेते हैं माइनस है तो हो जाएगा माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फाइव इजकल टू जीरो हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव हो जाएगा ये हो जाएगा टू एक्स माइनस फाइव इजकल टू जीरो हो जाएगा, इसको बराबर करेंगे एक्स माइनस फाइव इजकल टू जीरो, एक्स बराबर क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा और इसको ले लेंगे तो एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा फाइव अपान टू, फाइव को ले जाएंगे और टू से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा फाइव बाई टू। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये दिया गया एक्स की पावर एक्स प्लस वन प्लस फाइव की पावर टू माइनस एक्स इजकल टू फाइव की पावर थ्री प्लस वन, इसको सॉल्व करना हमको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेना है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में सबसे पहले इसको हम बना लेंगे तो क्या करते हैं, जिसको हम लेट कर लेते हैं फाइव फाइव की पावर एक्स को हम लेट कर इसको हो जाएगा फाइव की पावर एक्स और फाइव की पावर वन प्लस फाइव की पावर टू इंटू ये हो जाएगा फाइव के पावर माइनस एक्स इजकल टू हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस वन हो जाएगा,
इसको हम लेट कर लेंगे, 5 की पावर x को क्या लेते हैं, y ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, इसको ले लेंगे y, प्लस हो जाएगा 25, इसको नीचे आएगा तो जाएगा 5 1/y इक्वल टू 126, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे हो जाएगा 5y² प्लस हो जाएगा 25 अपॉन y इक्वल टू 126, ये जाएगा 5y² हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 126y, ये जाएगा 5y² माइनस 126y हो जाएगा प्लस 25 इक्वल टू 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका फैक्टर कर लेंगे, ये हो जाएगा 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसका इसको स्प्लिट कर लेंगे तो हो जाएगा 125 को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 5y² तो 125 बन जाए 125 हो जाएगा और ऐड करेंगे तो 126 हो जाएगा, हो जाएगा 125y माइनस y प्लस 25 इजिकल टू 0, ये हो जाएगा, यहाँ से हम 5y कॉमन ले लेते हैं तो जाएगा y² माइनस ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 25 इजिकल टू 0 हो जाएगा, ये जाएगा y माइनस 25 इजिकल टू 2y माइनस 1 इजिकल टू 0 जाएगा, इसको 0 बराबर ले लेंगे तो y माइनस 25 इजिकल टू 0, और ये हो जाएगा y इजिकल टू 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा y इजिकल टू 1/5 हो जाएगा, और y बराबर हमने लेट किया है 5 की पावर x, तो हो जाएगा 5 की पावर x इजिकल टू 25 हो जाएगा, और हो जाएगा इसको कंपेरिजन कर लेंगे 5 पावर x और 5 पावर 2, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, इसको हमने माना है 5 की पावर x इक्वल टू 1/5, ये हो जाएगा 5 की पावर x इक्वल टू 5 की पावर -1, इसको लिख सकते हैं कंपेरिजन कर लेंगे हो जाएगा 1 माइनस 1। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं, हो जाएगा 1/a + b + x, ये हो जाएगा इसको हम इधर लेते आते हैं तो 1 माइनस 1/5 x, ये हो जाएगा 1/a + 1/b, ये हो जाएगा इसका हम ले लेते हैं एलसीएम, ये हो जाएगा a + b + x, हो जाएगा x, इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, x बचेगा, x का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा x माइनस, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, x x कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a + b + x, ये माइनस है इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे a + b + x, और ये हो जाएगा इसका एलसीएम ले लेंगे तो ए बी हो जाएगा, तो ए से ए को इसको ए बी को कैंसिल करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, बी बच जाएगा बी प्लस बी से कैंसिल करेंगे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, अब क्या करते हैं इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स, ये आएगा एक्स, ये जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये जाएगा ए माइनस एक्स है और ये प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ए बी इसमें माइनस कॉमन लेते हैं ए प्लस बी हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा इंटू एक्स इजिकल टू, ये हो जाएगा ए बी है तो हो जाएगा ए बी, और हो जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा इससे इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1/ हो जाएगा ए प्लस बी प्लस एक्स हो जाएगा 1/ ए बी, इसका क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं
तो क्या हो जाएगा इसका, इसमें अगर मल्टीप्लाई कर लें वन अपान, इसको लिख लेते हैं, ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वन अपान ए बी। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको पहले एडजस्ट करके लिख लेते हैं, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये हो जाएगा माइनस माइनस ए बी है, इस माइनस ए बी को इधर लाएंगे क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स, ये जाएगा माइनस आएगा तो जाएगा प्लस ए बी इजकल टू जीरो। अब इसको दो को एक साथ ले लेंगे, दो को एक साथ ले लेंगे, तो इसमें एक्स कामन मिलेगा तो एक्स, और हो जाएगा एक्स प्लस ए, इसमें बी कामन है क्योंकि दोनों में है, तो जाएगा बी एक्स प्लस ए इजकल टू जीरो। ये दोनों एक्स प्लस ए यहाँ भी एक्स प्लस ए यहाँ दोनों जगह, तो इसको कामन ले लेंगे तो जाएगा एक्स प्लस ए और जाएगा एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो। इसको क्या करेंगे, जीरो बराबर कर देंगे, एक्स बराबर एक्स प्लस ए इजकल टू जीरो, तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और इसको ले लेंगे एक्स प्लस बी इजकल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस बी, ये हो जाएगा आंसर। अगला इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक किया गया है, तो इसको क्या कर लेंगे, तो जाएगा थ्री की पावर एक्स और जाएगा थ्री की पावर टू, ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं थ्री की वन अपॉन थ्री की पावर एक्स इक्वल टू टेन, इसको हम लेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री की पावर एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं वाई, ये हो जाएगा थ्री की पावर एक्स को हमने वाई माना है, तो हो जाएगा वाई और थ्री की पावर टू, तो जाएगा नाइन वाई और जाएगा वन अपॉन और इसके जगह पे वाई इजकल टू टेन हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें हो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर वाई वन हो जाएगा और वाई इजकल टू टेन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, इसमें तो वन का करेंगे तो यही आएगा, वाई किस में करेंगे हो जाएगा टेन वाई, हो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा टेन वाई, इसको इधर लेते आएंगे हो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर माइनस टेन वाई प्लस वन इजकल टू जीरो। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नाइन का वन में करेंगे तो नाइन हो जाएगा, और नाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे कि ऐड करने पर कितना आ जाए, ऐड या सबट्रैक्ट टेन आ जाए, तो हम कर लेंगे नाइन वन जा नाइन, तो जाएगा नाइन वाई स्क्वायर जाएगा नाइन वाई और माइनस वाई और प्लस वन इजकल टू जीरो। यहाँ पर का क्या वन हो जाएगा नाइन वाई, क्योंकि दोनों में तो नाइन वाई हो जाएगा, और इसको क्या कर लेंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा तो वाई बच जाएगा, माइनस वन हो जाएगा और ये माइनस कामन हो जाएगा, तो हो जाएगा वन माइनस कामन हो जाएगा, तो वाई माइनस वन इजकल टू जीरो हो जाएगा। ये दोनों कामन इसको लिख लेते हैं, तो हो जाएगा वाई माइनस वन और ये हो जाएगा, बच जाएगा हमको नाइन वाई माइनस वन इजकल टू जीरो। इसको क्या करते हैं, जीरो बराबर कर लेंगे, वाई माइनस वन इजकल टू जीरो और ये आ जाएगा नाइन वाई माइनस वन इजकल टू जीरो, तो हो जाएगा वाई इजकल टू वन हो जाएगा और ये हो जाएगा वन इधर आएगा प्लस वन हो जाएगा नाइन वाई हो जाएगा वाई इजकल टू क्या आ जाएगा वन अपॉन नाइन, और वाई को हमने लेट किया था थ्री की पावर एक्स, इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर एक्स इक्वल टू वन और हो जाएगा वन। और अगर थ्री इसको बेस सेम करना है, हम जानते हैं अगर जिसकी पावर जीरो होती है उसकी वैल्यू वन होती है, तो जाएगा थ्री की पावर एक्स कंपेरिजन कर लेंगे, बेस सेम है पावर कंपेरिजन कर लेंगे, एक्स इक्वल टू आ जाएगा जीरो, और ऐसे यहाँ कर लेंगे हो जाएगा थ्री की पावर एक्स, और इसको लिख सकते हैं थ्री की पावर टू, उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या जाएगा थ्री की पावर एक्स इक्वल टू हो जाएगा थ्री पावर माइनस टू, बेस सेम है पावर का कंपेरिजन कर लेंगे, एक्स इक्वल टू माइनस टू आ जाएगा, दिस इज आंसर। ये क्वेश्चन दिया गया, इसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा सिक्स रूट थ्री है, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स और हो जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री, हो जाएगा एटीन, एटीन को टू पार्ट में डिवाइड कर लें कि ऐड या सबट्रैक्ट करने पर इलेवन आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए एटीन आ जाए, तो अगर नाइन टू जा एटीन करेंगे तो एटीन हो जाएगा और नाइन में टू ऐड करेंगे इलेवन हो जाएगा, तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, तो आइए करते हैं इसको, तो हो जाएगा इसको लिख सकते हैं
रूट थ्री एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 9x प्लस 2x प्लस 6√3 इजिकल टू 0। अब यहाँ से क्या काम लेते हैं, यहाँ से रूट थ्री काम ले लेंगे, रूट थ्री एक्स तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स, और इसको इससे डिवाइड करेंगे, 9 को रूट थ्री से डिवाइड करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे तो 3/√3 हो जाएगा, हो जाएगा 9 अप यह आ जाएगा 9√3/3 तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ बजेगा 3√3 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 2 काम लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स, और हो जाएगा 2 3 6 √3 ये हो जाएगा। ये देखिए सेम है, इसका मतलब फैक्टर सही है, हो जाएगा 3√3 हो जाएगा, आ जाएगा √3x प्लस 2 = 0, 0 बराबर कर लेंगे और ये हो जाएगा, इसको 0 बराबर कर लेंगे तो जाएगा एक्स प्लस 3√3 = 0 जाएगा, एक्स इक्वल टू -3√3 हो जाएगा, और इसको कर लेंगे 0 बराबर क्या जाएगा √3x + 2 = 0 जाएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या जाएगा -2 और इंटू में तो डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा, दिस इज आंसर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू इसका रूट को ख़त्म कर दें डिनोमिनेटर से, हो जाएगा -2 और हो जाएगा √3 और हो जाएगा यहाँ पर 3, तो ये भी आंसर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।